अब खबर हरियाणा के शाहबाद से, जहां पुलिस विभाग ने आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की। जब्त की गई अवैध शराब को पुलिस ने नष्ट किया। आबकारी मामलों में पुलिस विभाग द्वारा बरामद शराब को नष्ट किए जाने के अभियान के तहत शाहबाद थाना क्षेत्र में शराब नष्ट करने की कार्रवाई की गई। हलका के तमाम बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस ने शराब नष्ट की। इस मौके पर DSP ने बताया कि अलग अलग मामलों में पुलिस द्वारा अवैध शराब बरामद की गई थी, जिसे नियमानुसार नष्ट किए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। साल 2022 शराब थी, तो हमारे थाने में रखी हुई थी। तो सर कितनी शराब है ये? 26,500 समथिंग बोतलें हैं और 57 मध्य से जो पुराने विस्टा वगैरह पड़े थे। हरियाणा के निर्देशानुसार और हमारे क्षेत्र के आदेश अनुसार हमने इनका विधिपूर्वक आज इनको निपटान कर रहे हैं। ये मध्य बहुत पुराने थी और इनको आज डिस्पोज किया जा रहा है। ये सभी निपटान हुए मामले हैं। कोर्ट द्वारा जो मामले निपटा दिए गए, या तो सजा कर दिए गए या परे कर दिए गए या अन्य उनको कोई सजा दी गई है, वो समय है वो डिस्पोज कर। तो हाँ, समय समय पर पुलिस कार्रवाई करती रहती है, इसीलिए तो होते 27,000 बोतलें कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा भी मध्य है जो दिन रखेगा हो चुका है, उनको भी याद होंगे। ये लगभग हमने पिछले 3-4 महीने से हमने प्रोसीजर चला रखा था कोर्ट के माध्यम से, और जो ये 27,000 बोटल्स हैं उनका हमने कोर्ट से डिस्पोज करने के ऑर्डर लिए हैं। फिर हमने SP साहब ऑफिस के माध्यम से, DC साहब के माध्यम से, BDPO साहब अपना ड्यूटी मजिस्ट्रेट बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए हैं, और इनकी मौजूदगी में हमने लगभग 27,000 ये बोटल्स इलीगल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करी हैं, और उसके साथ साथ 157 जो विसरों के वो है विसरा रिपोर्ट के जो पलंदे वगैरह हैं वो भी डिस्पोज करे हैं। और इस तरीके से मतलब काफ़ी मतलब टाइम टू टाइम थाना में इस तरह की कार्रवाई होनी बहुत ही ज़रूरी है। पुलिस अधीक्षक SP साहब के दिशा निर्देश अनुसार उन्होंने सभी पुलिस स्टेशन में गाइडलाइन दी हुई हैं कि इस तरह की कोई पुरानी मदें हैं जिनका निपटारा हो सकता है, जो केसेस कोर्ट से डिस्पोज हो चुके हैं उनका अभी निपटारा करें, ताकि थाना परिसर में भी अच्छी तरीके से सफाई रखी जा सके। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए शाहबाद के आउटर एरिया में, जहां पर ये आप देख ही सकते हैं शाहबाद से 3-4 किलोमीटर का एरिया है, वो जगह हमने चिन्हित की है और यहां पर अच्छी तरह गड्ढा खोद के पूरा गहराई से, ताकि किसी को, पशु को, किसी भी लोकल आदमी को, किसी को भी इस प्रकार का इसका कोई नुकसान ना हो, और ये इस तरह की सावधानी बिल्कुल अच्छी तरह रखी जाएगी। नशे के रिगार्डिंग अभी जैसे हमने ये लीगल्स जो है पकड़ी हुई थी, शराब पकड़ी हुई थी, ऐसे ही आगे भविष्य में हम पकड़ते रहेंगे और कोर्ट के माध्यम से इसको डिस्पोज भी कराते रहेंगे। हमने कुछ विशेष एक अभियान अभी हम चलाएंगे इस नेक्स्ट वीक में, उसको उस अभियान के तहत हम स्पेशल नशा जो तस्करी वगैरह करते हैं, जो MDPS वगैरह का काम करते हैं, उस पर हम बिल्कुल फोकस रखें। जनता से क्या अपील रहेगी सर? जनता से यही अपील है कि शाहबाद क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि वो नशे से दूर रहें, क्योंकि बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है युवा पीढ़ी के ऊपर इसका। मेरी यही अपील है कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग हो तो वो पुलिस के साथ शेयर करें और नशे से दूर रहें।